हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हमारा नीट का पेपर है। अभी बज रहे हैं 7:30 और मुझे यहाँ से 10:30-11 बजे के आसपास निकलना पड़ेगा सेंटर के लिए, क्योंकि सेंटर दूर है 41 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है इधर से। तो फिर तब निकल जाएंगे और अभी रिवाइज कर रहे हैं, बस ऊपर से देख रहे हैं। और व्लॉग तो डालना ही है, चाहे जैसा भी जाए पेपर व्लॉग आएगा, और पेपर अच्छा ही होगा क्योंकि इस बार मैंने तैयारी की है। मतलब मैंने हर बार तैयारी की थी, बट इस बार मैंने अच्छे से तैयारी की है और हाँ, इस बार होगा, अच्छा होगा। तो लेट्स सी। और व्लॉग तो लेट ही होगा, तुम भी पेपर दे के आई चुके होगे, ऑल द बेस्ट का क्या है मतलब, बट दिल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जब। उसके बाद मैंने सुबह फिर अपना रिवाइज किया, बचे 2 घंटे भी नहीं थे, 1.5 घंटे ही थे, क्योंकि हम 10:30 बजे निकले थे, तो 1/2 घंटे पहले तो मैं थोड़ा रेडी भी हुई थी। और फिर उसके बाद रिवाइज वाइज करके, और पता है मैंने ग्लूकोज वाला वो जो पोर्शन था ना रिएक्शन वाला, वो याद किया था, उससे क्वेश्चन भी आ गया था। फिर उसके बाद ठीक है, तब फिर तुम ये सूखे झाड़ पत्ते देख लो, और ये जो बाजू में बैठे ना वो मेरे भैया हैं ही। और उसके बाद मैं पेपर देके बाहर आई, फिर मैंने पापा को बोला कि कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं सब रिकॉर्ड करूँगी, पर या मेरे दिमाग से निकल गया कि रिकॉर्ड करना है। जब पेपर हो गया ना तब मुझे याद आया, फिर मैंने भीड़ का तो अच्छा रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम बीच में रुके थे, हमने गन्ने का जूस पिया, फिर सीधे घर आ गए थे। और अब ये ना सुबह के 4:30 बज रहे हैं, और तुम मेरे चेहरे की खुशी देख के बता सकते हो कि पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। और अभी मैं मार्क्स नहीं बताने वाली अब, क्योंकि मुझे जैसे कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर मैं मार्क्स बताऊँगी, अब मुझे नहीं बताना। सो नहीं, मार्क्स तुम्हें पता लगेगा कि पेपर अच्छा गया, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद। एंड और मैं क्या ही बोलूँ, जब इट वॉज ऑल वर्थ इट, और थैंक यू वेरी मच मुझे इतनी सारी विशेज भेजने के लिए। मतलब मुझे इतने सारे गुड लक विशेज आए थे ना कि क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू। और फिर उसके बाद आई डिड वांट टू थैंक यू, तुम्हारी ना ये जो जर्नी होती है ना, इसलिए ऐसा होता है कि कुछ लोग तुम्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। लाइक तुम्हें सपोर्ट तो चाहिए होता है, तुम अकेले भी नहीं कर सकते, वो इमोशनल ब्रेकडाउन जो होते ना वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो मुझे ना मेरे भैया बहुत सपोर्ट करते थे एक्चुअली, मतलब वो पेपर के एक हफ्ते जब बाकी था पेपर का, उस टाइम क्या होता कि मुझे ना पता नहीं ऐसे अंदर से ना तुम बहुत घबराने लगते हो, वैसे ऐसा होने लगता। तो फिर लाइक लिटरली मैं रात में अपने भैया के पास जाके बिल्कुल रो रही थी एकदम से, कि तो वो वैसा कोई बोलने वाले चीज होते हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और तुम ऐसे ही करते रहने। तो मेरी जर्नी में वैसे मेरे भैया थे जो मेरा पूरा हेल्प करते थे, मतलब मेरे को सपोर्ट करते थे। एंड सेकेंड थिंग जो मतलब एज अ फ्रेंड मैंने जैसे कॉल करती थी, कॉल पर बात करती थी, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि हाँ मतलब अच्छे से बात हो गई, अच्छा लग रहा है, शांत हो जाए, सब अच्छे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, टेंशन की बात नहीं। सो मतलब हाँ तुम्हें सपोर्ट चाहिए होता है, जिसकी वजह से सब कुछ बहुत अच्छा होता है। लाइक तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया कि जिस एग्जाम में मुझे टेंशन नहीं होती उसका मैं पढ़ाने होते हैं, इसलिए वरना हाँ होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन है अच्छी वाली, और पेपर बहुत अच्छा हुआ है, क्या ही बोलूँ मतलब। ठीक है, और बस यार हो गया, और क्या बोलूँ, मुझे समझ ही आ रहा है, इतना ही है इस ब्लॉग में। तो और जैसे सोशल पढ़ाई करते रहो। और यार देखो मैंने ना एक और चीज़ सोच रखी, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है, बट मैंने ना ऐसा सोच रखा था, मुझे बायो में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो प्लीज़ कोई बात ना ये मत बोलना कि ऐसा नहीं कर सकते तुम, ऐसे तो मेरी पर्सनल बोलोगे। बट मैंने ऐसा सोच रखा है कि मैं ना बायो के जो चैप्टर्स हैं उनके अलग से सिर्फ क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ मैं पढ़ाने नहीं वाली हूँ किसी को, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन है ना मेन क्वेश्चन ऐसे बना के डालूंगी। मतलब अभी टाइम है उसको, बट मैं ऐसा सोच रही हूँ, ऐसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियसली चल रहा है कि मैं ऐसा कुछ तो करूँगी, और मैं जो सोचती हूँ मैं करूँगी, जरूर करूँगी। तो और फिर हो गया, फिर मैं ना उसकी प्लेलिस्ट बना के रख दूँगी, तो तुम्हें जब अगर ऐसा हो
आई होप तुम सबका हो गया है, अच्छी बात है। और जो नए मेंबर्स आए हैं, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, और वो मतलब ऐसे कि हाँ जानना चाहती है कि मैंने कैसे क्या किया था, सो अच्छा उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी अबाउट माई स्टोरी कि हाँ कैसे क्या हुआ है एंड ऑल दैट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे काफ़ी कुछ काटना पड़ेगा इस वीडियो से, नहीं क्योंकि वो बहुत बेटा सॉरी, हाँ टॉपिक से नहीं भटकते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। एंड हाँ मैं वो क्वेश्चंस वाला जो प्लेलिस्ट होगा वो अपलोड कर दूँगी, साइड में पड़ा रहेगा वो मेरे चैनल पे, तो तुम खोज के वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी नहीं डाला है मैंने एंड एटलीस्ट इट विल टेक अ मंथ, ठीक है। सो अभी से कोई इतना हाल हल्ला करके ढूंढने मत लगना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर अच्छा हुआ है, अच्छा होगा। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता चाहूँगी, यू नो बट मैंने ना 40 टेस्ट थे, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 40 टेस्ट है जो मुझे देनी है, करनी है, और उसमें से मैंने 31 टेस्ट दिए थे, 3 बाकी के 9 नहीं हो पाए थे क्योंकि यार रिविजन नहीं हो पा रहा था, आज कुछ पहले नहीं हो पा रहा था। तो मैंने 31 टेस्ट दे लिए थे, मैंने 4 मई को भी टेस्ट दिया है, ठीक है, 4 मई को भी मैंने टेस्ट दिया है, एक्यूरेट टेस्ट। इनफैक्ट 5 मई को उसमें मैं मॉक टेस्ट देख रही थी, फिर मैंने ना वो उसके बारे में क्वेश्चन कुछ ऐसे आगे जो मेरे बने हुए थे, फिर मुझे पहले बन रहा कि मैंने बनते थे कि नहीं नहीं ठीक है मैंने बन लिया है, मुझे सब आता है, ऑल सेट टू गो, ठीक है। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो, तो हो गया सबका, मेरा हो गया, तुम्हारा भी हो गया, आई विश कि हो गया है, और नहीं भी हुआ तो जा सुन सब, मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था, इट वॉज वेरी फोर्थ अटैम्प्ट और फोर्थ हुआ उसका, सो लेट्स मीट अगेन, ओके टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू, और डू सब्सक्राइब। हाँ ये मैं पहली बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा लाइक और सब, मतलब सब्सक्राइब नहीं करो चलेगा, पर लाइक थैंक यू, बाय।